हिमाचल के पहाड़ों में अनेकों दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पहचानना और इस्तेमाल योग्य बनाना हिमालयन रिसर्च ग्रुप शिमला ने अपना लक्ष्य रखा है। वैज्ञानिकों के इस संगठन ने ऐसी ही एक विलुप्त हो रही जंगली बूटी चिरायता की दुर्लभ प्रजाति स्वर्सिया का डेटा पर शोध कर इसे कृषि योग्य बनाया और अब चिरायता को संवर्धित कर स्टार्टअप योजना के तहत आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करवाया है। हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इनक्यूबेशन सेंटर है, उसमें हमारे चार मेन मेजर थीम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, रिमोट सेंसिंग और रूरल टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने हमारे पास यहाँ पे चार एप्लीकेंट्स हैं, चार स्टार्टअप स्कीम्स जो चल रही हैं, जो कि मुख्यतः एक तो जैसे स्वारेटा कॉर्डेटा यानी कि चराइता के ऊपर है, जो कि एक हर्बल मेडिसिन के जो एक हर्बल मेडिसिन के ऊपर वो तैयार करेंगे शैशे टाइप में, वो टेस्टिंग स्टेज में है। उसके अलावा एक ओरिंगो मोरिंगो ऑलिफरा एक वाटर टेस्ट वाटर प्योरीफायर है, ये जेपी यूनिवर्सिटी कर रही है। और जो मैंने आपको बताया चराइटा वाला, ये हिमालयन रिसर्च ग्रुप है शिमला में, लोकल शिमला बेस्ड है, ये लोग तैयार कर रहे हैं, इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर इसको वो लोगों को, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि एक ऑल हर्बल मेडिसिन के तौर पर यूज़ की जाएगी। हिमालयन रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह ने बताया कि ग्रुप ने पहले चिरायता को कृषि योग्य बनाया और किसानों से खेती करवाई, परंतु खरीद के लिए कंपनियों द्वारा सहयोग ना मिल पाया, जिस कारण इस ग्रुप ने चिरायता पर खुद ही स्टार्टअप शुरू किया। जड़ी बूटी की खेती का एक जो विषय है वो आजकल एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, और खास करके लोगों को सस्ती और दवाई और सस्ता इलाज देने के लिए जड़ी बूटियों की एक अहम भूमिका है। लगभग 800 से ज़्यादा प्रजातियों का जंगलों से दोन करके दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिमालय की जड़ी बूटियां हैं, जिनको आदिकाल से लेकर के संजीवनी के नाम से भी बहुत सारी जड़ी बूटियों को माना जाता है, उसमें हमारे चराइता, कड़ू, पतीश, जो जिनको लोकल भाषा में हम कहते हैं पिकोराइजा करुआ, स्वर्शिया और एकोनिटम की जो स्पीशीज़ हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। स्टार्टअप में ये प्लान किया गया कि जड़ी बूटियां अगर किसान खेत में उगाएं, उनसे फाइनल प्रोडक्ट और उनका संवर्धन भी प्रोडक्शन साइट में किया जाए, ताकि जो किसानों को है मैक्सिमम आय हो और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जाए। और स्टार्टअप में हमने सबसे पहले जो स्वर्शिया कॉर्डेटा करके एक चराइता ग्रुप की एक स्पीशीज़ है, उसको लिया है, जिसका प्रयोग और उपयोग बहुत सारी प्राइमरी स्तर की बीमारियों में होता है। हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने संवर्धन की इस प्रक्रिया में चिरायता को छोटे छोटे पाउच के रूप में लाया है, जिसे पानी में भिगोकर या काढ़े के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। एक चरायता जो एक घास जैसे प्लांट आपको दिख रहा है, इसको 18 महीने में खेत में उग के तैयार किया जाता है। फूल की स्टेज में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, जड़ों से लेकर के फूल तकर पंचांग के रूप में इसको छोटे छोटे कुतर के पैकेट में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद इसका पाउडर बना करके ऐसे चाय के शैशे हम बनाते हैं, और एक पैकेट में इसमें 10 शैशे पैक किए गए हैं, और इन शैशे को रात को सोते वक्त पानी के बीच में डाल करके रखते हैं, और सवेरे शैशे को निकाल करके पानी को लोग डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मेनतया प्रयोग करते हैं। बुखार के लिए इस शैशे से चाय या काढ़ा बना करके सुबह और शाम दो बारी पी सकते हैं, और 5 दिन की डोज में अवश्य ही बुखार जो है ठीक होता है। और इन सारे दावों को हम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो आयुर्वेद में रिसर्च करती हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी और दिल्ली एनालिटिकल लैब से इनके पूरे टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे ये प्रमाणित हो कि इसमें जो जो तत्व हैं वाकई ही वो जो है बुखार को, वायरस को ख़त्म करते हैं और इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं। तो उसके लिए जो है पूरा शोध किया जा रहा है। स्टार्टअप योजना का लाभ पाकर हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने न सिर्फ विलुप्त हो रही चिरायता बूटी को नई शुरुआत दी है, बल्कि सैकड़ों कृषकों को रोजगार के लिए चिरायता जैसी बूटी भी मिली है। डीडी न्यूज के लिए शिमला से रीना वर्मा की रिपोर्ट।